अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही यूनिक और खास, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जबरदस्त वॉल मेकओवर। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पिछले वॉल मोल्डिंग के वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे लोगों ने इसे देखा, उतने ही लोगों ने इसे पसंद किया और उतने ही इसमें कमेंट्स भी थे। कमेंट्स पढ़ने के बाद ये मुझे अंदाज़ा हो गया था कि काफ़ी सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, और बहुत सारे सवाल तो कॉमन थे, जैसे माशाल्लाह की फ्रेम कैसे बनाई, लैंप में बटन कैसे लगाया, लैंप बनाने के लिए पेपर कौन सा यूज़ करना है, गोल्डन कलर कौन सा यूज़ करना है, और भी बहुत कुछ। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोगों के तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे, और जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल सकी हैं उन सब का रिप्लेसमेंट भी इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरा डाइनिंग रूम, जिसकी छत पर हमने वॉलपेपर चिपकाया हुआ है। उसके नीचे मैंने एक आर्टिफिशियल विन भी लगाई है, और उसके नीचे है ये DIY वॉल फ्रेम्स, और इसके नीचे रखा हुआ होता है ये डाइनिंग टेबल। ये वही डाइनिंग टेबल है जो मुझसे काफ़ी सारी बातें करता है। अगर आपने अब तक ये वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये है वो वॉल जिसका आज हम करने वाले हैं मेकओवर। आज से 6 से 7 महीने पहले ही मैंने इसका मेकओवर किया था और मुझे सिर्फ 200 रुपये खर्चा आया था। तो सबसे पहले हम ये फ्रेम यहाँ से निकालते हैं और इस वॉल को खाली कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए इन फ्रेम्स को मैं उठा के रख देती हूँ, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसका अच्छे से यूज करेंगे। तो फ्रेम्स निकालने के बाद ये पॉट्स यहाँ पे रह गए हैं, तो इन्हें भी जल्दी से गायब कर देते हैं। और पॉट्स और फ्रेम्स निकालने के बाद ये वॉल पे काफी सारे पैचेस और होल्स नजर आ रहे हैं, तो पुट्टी वगैरह भर के इसको भी क्लियर कर लेंगे। तो पुट्टी भरने के बाद भी इसमें काफी सारे पैचेस अभी नजर आ रहे हैं, तो अब हम इसे मोल्डिंग के अंदर छुपाएंगे। तो अच्छी मोल्डिंग बनाने के लिए इसका मेजरमेंट बहुत अच्छे से लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम पहले पेपर पे इसे समझ लेते हैं। देखिए, मोल्डिंग दो तरह की होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मेरे लिविंग रूम के वॉल पे जो मैंने मोल्डिंग की थी वो वर्टिकल पोजीशन में थी, क्योंकि वो वॉल पूरी विजिबल थी। अगर डाइनिंग रूम के अंदर मेरी आधी वॉल डाइनिंग टेबल की वजह से छुप जाएगी और बस ऊपर की आधी वॉल ही विजिबल होगी, और इसलिए मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजिशन में मोल्डिंग बनाऊँगी। तो चाहे आप वर्टिकल मोल्डिंग बनाएं या हॉरिजॉन्टल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मोल्डिंग दीवार के सेंटर में होनी चाहिए। जैसे मेरे डाइनिंग रूम की दीवार का साइज़ है 10 फीट और इसका सेंटर हुआ 5 फीट। तो एक बार सेंटर मालूम करने के बाद आप इस पे जो चाहे डिज़ाइन अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो डाइनिंग रूम के लिए मैंने जो डिज़ाइन सोची है वो ये है कि मैं बीच में एक बड़ा रेक्टेंगल बनाऊंगी और इसके साइड में 2 छोटे रेक्टेंगल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल पोजिशन में मोल्डिंग बनानी है। और इस डिज़ाइन को सेंटर में रखते हुए इसके चारों तरफ मैं एग्जैक्ट साइज छोड़ दूंगी। आई होप कि आपको मोल्डिंग के मेजरमेंट से जितने भी सवाल थे सबके जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए अब इसी सेम डिज़ाइन को दीवार पर भी बना लेते हैं। एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन हमने वॉल पे भी बना ली है। अब मैंने लिया है एक वॉलपेपर जो कुछ इस तरह का दिखता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप अगर वॉलपेपर लगाओगे तो मोल्डिंग और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, तो चलिए उनकी बात की इज्जत रखते हुए आज की मोल्डिंग में वॉलपेपर यूज़ करेंगे। तो एक सेक्शन में हमने वॉलपेपर लगा दिया है, अब सेम इसी तरह का वॉलपेपर हम इन बाकी के 2 सेक्शन में भी लगा देंगे। और तीनों तरफ वॉलपेपर लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इनके कॉर्नर्स पे कॉर्नर डिज़ाइन लगा देंगे, और इसके लिए मैंने लिए हैं ये वुडन कॉर्नर डिज़ाइन। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में सवाल पूछे थे कि कहाँ से लेना है और कितने में लेना है। तो देखिए, ये मीशो पे ही अवेलेबल हैं, और इसके साइज़ के हिसाब से इसका प्राइस भी अलग अलग होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। तो इन्हें यूज़ करने से पहले हम इन्हें पेंट कर देंगे, और इन्हें पेंट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एशियन पेंट का एप्कोलाइट प्रीमियम इनेमल गोल्ड कलर। यह आपको 95 से 100 रुपीज तक मिल जाएगा। इसे यूज़ करने से पहले हमें अच्छे से मिक्स करना होता है और फिर हमें इसे यूज़ करना होता है। आई होप कि पेंट से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे सबके जवाब मिल गए होंगे। और अब हमें अच्छी फिनिशिंग के लिए इनके ऊपर डबल कोट कर देंगे।
करने के बाद हमें इसे आधे से एक घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एक घंटे के बाद ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें वॉलपेपर के कॉर्नर्स पे यूज़ करेंगे और इन्हें चिपकाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वुड ग्लू। आप फेविकॉल या डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन्हें वॉलपेपर के चारों कॉर्नर्स पे चिपका देंगे। और चारों कॉर्नर्स में चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसी तरह बाकी दोनों सेक्शन में भी कॉर्नर्स डिजाइन चिपका देंगे। तीनों सेक्शंस को कवर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बारी है कॉर्नर्स के बीच में वुडन स्टिक्स लगाने की, और इसके लिए मैंने लिए हैं ये दो वुडन स्टिक्स। आप सभी लोग इनके बारे में काफ़ी पूछ रहे थे कि कितना स्क्वायर फीट लेना है, क्या प्राइस है और कहाँ से लेना है। तो देखिए, आज के मेकओवर के लिए मैंने यहाँ पे टोटल दो स्टिक्स यूज़ की हैं और इनका साइज़ है 7 स्क्वायर फीट, और इनका प्राइस इनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि लिविंग रूम के लिए मैंने जो स्टिक यूज़ की थी वो काफ़ी हल्की और पतली थी, इसलिए इसका प्राइस भी कम था। मगर आज जो मैं स्टिक्स यूज़ करने वाली हूँ वो डिज़ाइन वाली हैं तो थोड़ी सी महंगी है। आप अपने सिटी में जहाँ भी वुड का सामान मिलता है वहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे तो आपको ये पट्टियाँ मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं इन्हें कट करने के बारे में। तो आप लोग पूछ रहे थे कि इन्हें कट कैसा करना है। तो देखिए, मैं इन्हें कट करने के लिए ऐसा लकड़ी का तख्ता यूज़ करती हूँ जिसके ऊपर मैंने ये लकड़ी का एक टुकड़ा चिपकाया हुआ है। इसको दोनों साइड में मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है जो कि 45 एंगल का है, ताकि पट्टियाँ अच्छे से कट हो सके। इसके सामने ऐसे पट्टी रख के हमें कट करना होता है। और अब कट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ हेक्सा ब्लेड। ये तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। इसके पीछे हैंडल नहीं है, इसलिए मैंने इसके पीछे कार्डबोर्ड का टुकड़ा फंसाया हुआ है ताकि मुझे ग्रिप मिल सके। अब इसे कट करते वक्त कुछ लोग ये गलती करते हैं कि इसे हवा में लटकाते हुए कट करते हैं। इसकी वजह से इसके एजेस काफ़ी रफ बन जाते हैं और जब हम दो पट्टियों को ज्वाइंट करते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो पट्टी कट करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप फर्श पे रख के कट करें या फिर किसी तख्ते का यूज़ करें। इससे पट्टियों के एजेस काफ़ी स्मूथ होंगे और इसे चिपकाते वक्त हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से पट्टियों को स्ट्रेट कट कर लेते हैं। तो फाइनली सब पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। अब इन्हें पेंट कर लेंगे और पेंट करने के लिए फिर से वही एशियन पेंट का गोल्ड कलर यूज़ करेंगे। तमाम पट्टियाँ पेंट हो चुकी हैं। अब इन्हें ड्राई होने के लिए कम से कम एक घंटा छोड़ देंगे। अब एक घंटा हो चुका है, पट्टियाँ अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। अब इनके बैक साइड पे हम वुड ग्लू लगाएंगे और इसे दीवार पे चिपका देंगे। और वुड का हर काम करने के लिए मैं हमेशा बिल्डर्स बॉन्ड का वुड ग्लू यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी स्ट्रांग है और जल्दी से चिपक भी जाता है। आई होप कि जिन लोगों ने पूछा था ये सवाल, उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। तो हमें पट्टियों के बैक साइड पे इसे अच्छे से फैला लेना है और इसे दोनों कॉर्नर्स के बीच में चिपका देना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी तरह हम बाकी के तीनों साइड में भी पट्टियां चिपका देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी तरह हम बाकी के दोनों सेक्शन में भी पट्टियां चिपका देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इन दोनों साइड वाले मोल्डिंग्स में लैंप बना के लगाएंगे। पिछली बार लिविंग रूम के लिए जो मैंने लैंप बनाया था उसके बारे में आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे थे, तो चलिए आज देखते हैं उसका रिप्लेसमेंट क्या है। तो पिछली बार वाले लैंप में मैंने ये इंसुलेटिंग पेपर यूज़ किया था जो किसी को भी नहीं मिल रहा, तो उसको रिप्लेस करके इस बार हम यूज़ करेंगे ये ट्रांसपेरेंट OHP शीट की। ये आपको हर जगह मिल जाएगी। अब क्योंकि ये पूरी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा टर्बिड बनाने के लिए इसके अंदर हम लगाएंगे ये बटर पेपर। OHP शीट और बटर पेपर हर जगह आसानी से मिल जाते हैं।
करते हैं। अब हम इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो एग्जैक्टली इंसुलेटिंग पेपर का ही लुक देगा। अब इन दोनों को चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगी ये ट्रांसपेरेंट टेप का। ये टेप आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह मिल जाती है। इसे मैंने मीशो से खरीदा है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अब डबल टेप की हेल्प से मैंने बटर पेपर को OHP शीट पे चिपका दिया है। अब इसका हम एक रोल बनाएंगे। तो रोल मैंने बना लिया है और इसे सिक्योर करने के लिए इसके बैक साइड पे मास्किंग टेप भी चिपका दी है। अब मैंने लिए हैं ग्लिटर पेपर के 2 स्ट्रिप्स और ये स्ट्रिप्स हम रोल के दोनों साइड पे लगा देंगे। ये स्ट्रिप सेल्फ एडेसिव होते हैं, इनके पीछे स्टिकर होता है जिसे निकाल के हमें यूज करना होता है। दोनों साइड में ग्लिटर पेपर चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने लिए हैं गोल्डन स्ट्रिप्स और इन्हें ब्लैक पेपर के ऊपर चिपका दूंगी और ये कुछ ऐसा दिख और दोनों तरफ चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बारी है इसमें लाइट लगाने की। तो पिछली बार जो मैंने LED स्ट्रिंग यूज़ की थी वो काफ़ी लोगों को नहीं मिल रही, इसलिए इस बार मैंने इसको रिप्लेस करके ये प्लास्टिक के कैंडल्स यूज़ किए हैं। इनके पीछे ऑन एंड ऑफ का बटन होता है और ये हर जगह मिल जाएंगे। तो इसके साइड में हमें डबल टेप या नैनो टेप चिपका देनी है और इसे रोल के अंदर एक साइड से चिपका देना है। नीचे से बटन को यूज़ करके हम इसे इजीली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और दो लैंप मैंने तैयार कर लिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये लैंप का आइडिया, ज़रूर बताना। आई होप कि अब ये आपके लिए बनाना ईजी होगा। अब इसके बैक साइड पर दोनों तरफ हम डबल टेप चिपका देंगे और फिर इसे मोल्डिंग के अंदर लगा देंगे। और बस एक ही क्लिक में आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे ही मैंने दोनों साइड पे लैंप को चिपका दिया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये है इसका नाइट व्यू। अब इस सेंटर वाले पार्ट के लिए बनाएंगे एक फ्रेम। पिछली बार जो माशाल्लाह की फ्रेम मैंने बनाई थी उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और काफ़ी आप कंफ्यूज भी थे, तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2x2 का फोम बोर्ड यूज़ किया है, आप चाहें तो कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर कोई भी गोल्डन कलर का पेपर, गिफ्ट रैपिंग पेपर, वॉल पेपर या फिर मिरर पेपर पेस्ट कर दीजिए। अब मैंने ली है ये अल्हम्दुलिल्लाह की स्टिकर और इसके सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को ही मुझे यूज़ करना है और नीचे जो अंग्रेजी वाले लेटर्स हैं वो मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो इसे पहले मैं कट कर लेती हूँ। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसे हमें पील ऑफ करना है और इसे गोल्डन पेपर पे चिपका देना है। इसे चिपकाते वक्त हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी बबल ना आने पाए, इसलिए इसे अच्छे से प्रेस करके हमें चिपकाना है। और चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम स्टिकर के साइड वाले किनारों को कैंची से कट कर देंगे। फोम बोर्ड काफ़ी पतला होता है इसलिए कैंची से भी आसानी से कट हो जाएगा। आप चाहें तो कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे उलट देंगे और इसके बैक साइड पे मैं लगाऊंगी ये 2 थर्माकोल के पीस। इसे आप ग्लू से या टेप से चिपका सकते हैं। और अब मैंने ली है ये LED स्ट्रिंग। इसके अंदर ये सेल लगे हुए होते हैं और इसमें एक बटन होता है जिससे हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इस LED स्ट्रिंग को हम बोर्ड के किनारों पे चिपका देंगे। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ऐसे ही इस बैटरी को भी हम चिपका देंगे और सिंपली इस बटन से ये ऑन या ऑफ हो सकती है। और इसके पीछे डबल टेप लगा के हम इसे मोल्डिंग के बीच में चिपका देंगे। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा और ये है इसका फाइनल लुक। तो दिन में ये कुछ ऐसा दिखेगा और रात में कुछ ऐसा दिखेगा और बहुत ज़्यादा रात में कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको मोल्डिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर बताना। दुआओं में याद रखना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।